अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में आज क्लास 6 यूनिट नंबर 10 द कनेक्टिंग फ्रॉम नाउ है। आज हम ये पढ़ेंगे और उसके साथ बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सबक किसके बारे में। ये सबक एक ईमेल पर मुश्तमिल है जो पाक आर्मी का एक मेजर जो थर के इलाके में तैनात है अपने बच्चों आमार और मनार को भेजता है। उसमें वो अपने उस पोस्ट के बारे में, वहाँ के इलाके के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में तफसील से आगाह करता है। वो बताता है कि मैं आजकल थर के इलाके में इंडिया के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में वाके पोस्ट पे तैनात हूँ और थर के इलाके के बारे में ये बताता है कि ये इलाका सराय पर मबनी है और यहाँ के पर रेत के बड़े बड़े टेले और गारे से बनी हुई ज़मीन मौजूद है और बड़े बड़े पहाड़ भी, छोटे छोटे पहाड़ और छोटी छोटी कोई सब्जा भी मौजूद है। यहाँ का मौसम, जब वो वहाँ दिसंबर के महीने में तैनात हुआ था तो सख्त तरीन सर्द था, उनके फौजों के लिए, उनके ट्रूप के लिए मुश्किल तरीन था। और यहाँ का मौसम जब गर्मी आती है तो 40 डिग्री तक वो पहुँच जाता है। वो अपने बच्चों को ये बताता है कि बाकी सरहदी इलाकों की तरह, सियाचिन की तरह, ये भी हमारे लिए दुश्मनों की हैसियत से, यहाँ का मौसम हमारे लिए दुश्मन की हैसियत रखता है। यहाँ के रहने वाले लोग गयो और अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और यहाँ पे हमें इस गांव में हुकूमत ने 2017 से मुफ्त वाईफाई की 3 गांवों को सहूलत दी है ताकि हम आप लोगों से रब्ता कायम कर सकें। फिर वो अपने बच्चों को उनके कैरियर के बारे में बताता है कि आप अपने सीनियर क्लासेस में पहुंच चुके हैं और अपने कैरियर के बारे में आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। वो अपने बच्चों को सिर्फ तालीम के बारे में आगाह नहीं करता लेकिन उनको आगे के अखलाक और आगे के ज़िंदगी के बारे में बताता है कि बर्दाश्त करने की कुव्वत हासिल करें ताकि वो अपने आगे आने वाले तकालीफ को, मुश्किलों को आराम से बर्दाश्त कर सकें। अपने साथ रहने वाले दोस्तों, अपनी क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों, अपने महलेदारों, अपने उस्तादों और बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त के साथ और इज्जत के साथ पेश आएँ और अपने क्लास में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। वो उनको बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में भी बताता है कि टीचर्स और अस्पतालों में काम करने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो मुश्किल तरीन हालात में काम करते हैं, उनके साथ किस तरह पेश आया जाता है और उनके साथ अदम बर्दाश्त का काम किया जाए। वो उनको ये भी बताता है कि आप जब तक अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे और आप इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए, अपने इलाकों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने महलों और महलेदारों के लिए बेहतरीन इंसान होंगे और मुल्क के लिए बेहतरीन मोहब्बत वतन इंसान बनेंगे। बच्चों, अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी मुख्तलफ वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग है और उसके साथ फिर उनकी समरी भी है, कि लेसन की समरी भी है जो इसके साथ मौजूद है और उसके बाद फिर मैं आपको इनकी तस्वीरें भी आपके ग्रुप पे शेयर करूँगा ताकि आपको आप इसको अपने नीट कापी पे मुंतकिल कर सकें। इस सबरी के बाद फिर ये क्वेश्चंस हैं इस सबक के, उसके जवाब भी हैं और वो क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से देख लें। और क्योंकि मैं आपको उनके बाकी चीज़ें भी भेज दूँगा ताकि वो आप इसको आगे चला सकें।